हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरोही और आरोही के एडवाइस में आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आपको पता है आप काफ़ी परेशान होते होंगे ये सारे सवाल सुन के कि अगर आपने भी कोर्ट मैरिज की और उसके बाद लड़की ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया तो क्या आपको जेल हो जाएगी, आप चले जाओगे जेल के अंदर, और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या किया जाए। लड़कों को ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है और लड़कियों को भी, क्योंकि आपको भी बहुत सारी गलतियाँ नहीं करनी है और लड़कों को भी ये बहुत सारी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। स्टेटमेंट अगर चेंज हो गया तो फिर क्या करें, अगर स्टेटमेंट बाय फोर्स यानी दबाव में आके चेंज किया गया तो फिर क्या करें, और उसके बाद अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें। आर्य समाज का सर्टिफिकेट क्या सिर्फ काफ़ी होता है मैरिज करने के लिए, या फिर आपको कोर्ट मैरिज रजिस्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, या दोनों में क्या डिफरेंस होती है। अगर आप लड़की के फैमिली वालों से परेशान हैं तो फिर आप क्या करें, और बहुत सारी चीज़ें। आपको इस पूरे वीडियो को देखना बहुत फायदेमंद होगा, वीडियो में काफ़ी नॉलेज है। दोस्तों, आपको बता दूं इस पूरे वीडियो का इंटेंशन बस इतना सा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अपने लाइफ में काफ़ी हैप्पी रहें। हमारे चैनल का स्पेशली मैं हमेशा से चाहती हूँ कि सब कोई खुश रहे, और क्या आप भी चाहते हो हैप्पी रहना, तो कमेंट बॉक्स पे एक स्माइल इमोजी ज़रूर टाइप करना। आपको बता दूं कि इस वीडियो के थ्रू जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो 110% अकॉर्डिंग टू द लॉ के थ्रू होगी, और हमारा इंडियन लॉ जो कहता है उसी के हिसाब से आपको पूरी बात पता चलेगी, जिसमें एक भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो पूरा वीडियो आपके लिए बिल्कुल भरोसेमंद है, भरोसा करके देखो। दोस्तों, आप लव मैरिज करना चाहते हो और उसी के थ्रू आपने अरेंज मैरिज करने की बात सोची है। अब इस बीच में आपने अगर घर से भाग के शादी की है, कंडीशन फर्स्ट, आपने अगर अपनी मर्जी से शादी की है लेकिन आप घर से भागे नहीं है, दूसरी कंडीशन। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में होता है क्या, जब आप शादी कर लेते हो उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं है तो ज़बरदस्ती लड़की को ये प्रेशराइज किया जाता है, दबाव बनाया जाता है कि प्लीज़ अपना स्टेटमेंट चेंज कर लो, और घर वालों के द्वारा वो चेंज भी करा दिया जाता है, या फिर कोई भी कंडीशन हुई। मैक्सिमम केसेस में घर वाले ही ऐसा करते हैं कि लड़के को हम जेल तक पहुंचा दें, ऐसी बातें होती है। लेकिन आपको बता दूं आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, हर एक स्टेप हर एक चीज़ नोट डाउन करके रखना, और जो भी आपको मुश्किलें आएंगी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन आईडी है लव आरोही लव के नाम से, वहाँ से डायरेक्ट पहुँच सकते हो, हमसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हो, और उसी के साथ आप हमारे साथ परमानेंटली जुड़ सकते हो जस्ट सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन हिट करके जाना। आपको बता दूं बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। आपके लिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका राइट है कि आप शादी कर सकते हो। आपको बता दूं सबसे पहली कंडीशन कि आपकी एज, अगर आप लड़के हो तो आपकी एज 21 और लड़कियों के लिए 18 होनी चाहिए कम्प्लीटली, देन आपका मैरिज रजिस्टर होगा। आपको बता दूं आपको मैरिज का रजिस्टर कहाँ करना है। आपको बता दूं कि आपका जो रजिस्टर होना चाहिए वो 100% सही जगह से होना चाहिए। अगर आपने फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाई या फिर आप गलत झांसे पे पड़ गए, गलत जगह से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो फिर वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं होगा, फिर आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा, पे बहुत सारी चार्जेस लग सकते हैं, आप पे IPC की धारा 406 के तहत आपको जेल भी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि स्टेटमेंट्स लड़कियाँ बदल दे, तो स्टेटमेंट्स बदल देने के बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मैरिज रजिस्टर होता है, मैरिज आप करते हो तो जो रजिस्टर होता है वही आपका बेस है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो इस बात का प्रूफ है कि आपने सच्ची शादी की है, और आप दोनों का बयान वहाँ पे लिया जाता है। जब आप जज साहब के पास जाते हो जहाँ आपकी शादी होती है, तो वहाँ पे आपको दोनों के बयान लिए जाते हैं, उसके बाद ही बहुत तरह के सवाल किए जाते हैं, उसके बाद ही आपका वहाँ पे मैरिज करवाया जाता है, सर्टिफिकेट के साथ आपके सिग्नेचर्स डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लिए जाते हैं, तो यही आपका प्रूफ होता है। अगर स्टेटमेंट्स लड़कियाँ बदल दे तो फिर आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ज़बरदस्ती ऐसा किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और इसका प्रूफ रहा ये हमारा सर्टिफिकेट। आपको बता दो आपके पास दो सर्टिफिकेट होंगे, एक आर्य समाज का सर्टिफिकेट और एक होता है आपका
रजिस्टर सर्टिफिकेट, दोनों ही सर्टिफिकेट सही है। आपको बता दूं आर्य समाज का सर्टिफिकेट अगर आपने सिर्फ लिया है तो भी आपके लिए सही है, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से आपको जो है कोर्ट मैरिज का रजिस्टर भी करवाना ज़रूरी होता है। तो आप दोनों करवा लो, आपके लिए दोनों सही है। आपको एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर देते हैं, यानी जल्दी जब आप घर से भाग के शादी कर लो या फिर कोई भी कंडीशन ऐसी आ गई कि आपको करनी पड़ रही है, लेकिन फिर आप क्या करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हो, वो उनमें से चीज़ें हो जाती है गहने, ज्वेलरीज। लड़कियाँ ऐसा करती हैं, ज्वेलरीज बिल्कुल भी लेके ना जाया करो। अगर हम आपको कहते हैं आपको मनीज की ज़रूरत होती है, मनी जो भी आपके पास है उसे भी आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात, गहने लेके जाना उसमें आप फंस सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें फिर लड़के पे भी चोरी के इल्जाम लगेंगे, फिर उन पे केस हो सकता है चोरी का, तो इस वजह से आप ये चीज़ें ना किया करो। लड़कियाँ अगर लेके जाना चाहती है ज्वेलरी, तो सिर्फ आपका जिस पे आपका राइट है, जो आप पहनते हो, जो आपके खुद के पैसे हैं, वैसी चीज़ें आप लेके जाया करो, आपके लिए सही रहता है। लेकिन वैसी कोई मुसीबत वाली चीज़ मत लेके जाना जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करे। बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ ये गलतियाँ करते हैं कि आप जो है ना अपना जो सर्टिफिकेट है उसे आप जो एडिट कर देते हो। एडिटिंग का काम क्यों करते हो? आपको ये बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करनी है। आपका आईडी प्रूफ, आपका पासपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें जो आईडी प्रूफ आपके पास है और जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे जज साहब के थ्रू मांगा जाता है, तो फिर आप उन चीज़ों पे एडिट बिल्कुल मत करो, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करो, वरना फर्जी हो जाएगा पूरी की पूरी तरह। आपको बता दूँ कि आपका जो डेट होता है, अगर आपकी उम्र पूरी की पूरी तरह से 18 साल कंप्लीट नहीं हुई है तो आप अभी मैरिज मत करो, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि अपनी फैमिली को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपना मोबाइल ऑफ रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते ही हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली की भी सेफ्टी चाहते हो ना, तो उनको जैसे ही आपने मैरिज कर ली आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और उसी के साथ आपको महिला आयोग में भी अगर ऐसी परेशानियाँ होती है तो आप अपना सर्टिफिकेट सबसे पहले जो मैरिज का होता है महिला आयोग में दे दो, आप पुलिस स्टेशन पे दे दो। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको खुद ब खुद आप लॉयल्टी में आ जाओगे, वैलिड कहलाओगे। और इसके बाद अगर फैमिली से FIR कोई करता है तो फिर FIR भी रजिस्टर नहीं होगा, FIR भी वहाँ पे दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने थाने में इंफॉर्मेशन करवा दी है। और अगर कोई कहे भी कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए या फिर किसी ने हमारी बेटी को लेके चले गए, किडनैपिंग का केस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, स्टेटमेंट बदल भी दे फिर भी आप इसके लिए कर सकते हो, आप हाईकोर्ट तक भी जा सकते हो। इसके कोर्ट आपको भी काफ़ी सपोर्ट करेगा क्योंकि इंडियन मैरिज लॉ के हिसाब से आपको बहुत सारे अधिकार हैं। और इसी के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बतानी है, जैसे कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट चाहिए या ज़रूरी है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ काफ़ी हैं। तो आप पूरी जानकारी रखो, उसी के बाद स्टेप लो मैरिज का, कोर्ट मैरिज का, तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना और जी हाँ, हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल जवाब, अच्छा बुरा जो भी है ना, ज़रूर लिख के जाना। इससे पता चलता है कि आप इस वीडियो के थ्रू कुछ आपको जानने को मिला। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आ रही एडवाइस अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।